देखिए क्वेश्चन क्या है, दीपक राहुल मनोज एंड विनोद आर ब्रदर, हु इज द हेवीएस्ट, यानी चार पर्सन है जिनके बारे में बात की जा रही है। एक दीपक है, एक राहुल है, एक मनोज है, एक विनोद है, ये ब्रदर है। हु इज द हेवीएस्ट, बताना है कि किसका वेट सबसे ज्यादा होगा। राहुल इज द हेवीएस्ट देन दीपक एंड विनोद बट लाइटर देन ठीक है, राहुल जो है, राहुल के बारे में ये पता है कि वो हैवियर है किससे, दीपक से भी और साथ में विनोद से भी, बट लाइटर देन मनोज, यानी मनोज का वेट और ज्यादा होगा, यानी ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं, मनोज सबसे पहले आ गया अभी एक तरह से, अगर हमारे पास आंकड़ा बना है कभी भी इस तरह के क्वेश्चन करते चले, उसके बाद राहुल हो गया और राहुल के बाद दीपक और विनोद की बात की जा रही है, ठीक है। अब बोला है दीपक इज लाइटर देन राहुल एंड मनोज बट हैवियर देन, अच्छा यहां पर एक और बात की जा रही है, बट दीपक इज लाइटर देन राहुल, ठीक है, एंड मनोज, मनोज से भी वो ठीक है, बट हैवियर देन विनोद, जो दीपक है वो है लाइटर देन राहुल, ठीक है, एंड मनोज, पहले ही पता था हमें मनोज और इसके बारे में, बट हैवियर देन विनोद, विनोद से तो ये भारी है। तो अब कौन कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट हैं बताना हैवीएस्ट बेस्ट के लिए, तो हैवीएस्ट बेस्ट के लिए अगर हम देखें तो इंडिविजुअल वन भी सफिशिएंट है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट से भी दे सकते हो, और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखो तो सेकंड स्टेटमेंट में हमको राहुल की बात की जा रही है, मनोज की बात की जा रही है, विनोद की जा रही है, पर सभी की बात की जा रही है यहां पर, अब पर यह क्लियर नहीं है कि दीपक इज लाइटर देन राहुल एंड मनोज बट हैवियर देन विनोद, तो यहां पर ये जरूरी नहीं है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट वन इज अलोन सफिशिएंट बट स्टेटमेंट टू इज नॉट अलोन इज सफिशिएंट, यानी वन स्टेटमेंट तो सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि कौन हैवीएस्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में हम श्योरली नहीं बोल सकते कि किससे बात की जा रही है, मतलब दीपक राहुल और मनोज में किससे, तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियरिटी है, सेकंड स्टेटमेंट में क्लियरिटी नहीं है, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ही लेंगे यहां पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी।